कि इसके पहले उनके नेता सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने में लगे, ये कहते कि हम उनकी कब्र खोदेंगे। तो नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वालों की कब्र खुद देश की जनता पहले भी खोद चुकी है, आगे भी खोद देगी। और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है कि कांग्रेस के बड़े नेता मौत का सौदागर, मोदी सरनेम वाले चोर, और कब्र खुदेगी मोदी की, और असुर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लोकतंत्र में अगर कोई इस तरह के शब्दों का प्रधानमंत्री के बारे में प्रयोग करता है तो उसका हस्त्र अगले चुनाव में क्या होगा, ये देश ने देख चुका है और आगे फिर देखेगी। जदी ने ट्वीट करके कहा है कि नरेंद्र मोदी क्या अंतिम लाल किले पर झंडा अंतिम बार फहराएंगे, उनको जवाब देना चाहिए, अभी मौका है। ये नीतीश जी भी झंडा फहराने वाले हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो पहले वो तो अपना हिसाब दें। पिछले बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने ऐलान किया था कि 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो मैं तो चुनौती देता हूं कि एक भी व्यक्ति को एक साल के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिली है, एक भी व्यक्ति को नहीं मिली है। 20 लाख तो दूर की बात है, तो अपना तो हिसाब दें। और वो ये भी बताएं गांधी मैदान के अंदर कि उन्होंने भ्रष्टाचार से क्यों समझौता कर लिया। जो भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड है उनको अपने राज्य का डिप्टी सीएम बना लिया, मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो उसका भी उनको खुलासा करना चाहिए। और तीसरा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बिगड़ रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताना चाहिए कि एक साल के अंदर जब से वो राजद के साथ गए हैं गठबंधन में, तब से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और पहले कांग्रेस शासित राज्यों में तो जाति गणना करा ले, आज 11 राज्यों के अंदर गैर भाजपा सरकारें हैं। जब बंगाल में टीएमसी हो या कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की, दिल्ली पंजाब में, तो पहले नीतीश जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन राज्यों में तो जाति गणना करा लें। तो इसलिए पहले अपना हिसाब दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू तो एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका अस्तित्व के लिए बिहार तक सीमित है, तो प्रधानमंत्री को जो बोलना होगा वो बोलेंगे, वो कोई बिहार के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन आप तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार की जनता तो आपसे जानना चाहेगी ना कि पिछले साल आपने जो घोषणाएं की उसके बाद की क्या स्थिति है। और इसलिए चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, या सरकारी नौकरी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर नीतीश जी को अपने भाषण के अंदर जिक्र करना चाहिए। अंतिम बार झंडा फहराने की बात, कोई अंतिम और क्या, देखिए बोल देने से तो नहीं ना होता है, इस कार्यकाल का तो अंतिम ही है ना। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार लौट कर आऊंगा, अब पहले से ज्यादा काम करूंगा। तो ये बात तो ठीक है कि इस कार्यकाल का ये अंतिम स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन फिर चुनाव होंगे, फिर लौट कर आएंगे। ये तो 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, क्या हश्र हुआ। फिर 2023 में लाए, भाग खड़े हुए, क्या हश्र हुआ। तो देश की जनता पिछले बार से ज्यादा प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।